सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप कुछ इस तरीके की डार्क शैडो फोटो एडिटिंग कर सकते हैं एंड ये फोटोज देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखते रहना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी फोटो को लेकर जाना पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। नेक्स्ट आपको यहाँ से इसे ब्लैक एंड व्हाइट करना है तो आपको टूल्स पर क्लिक करना है, उसके बाद एडजस्ट में आ जाना है। फिर आपको यहाँ से सैचुरेशन में आकर इसको -100 कर देना है तो ये ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है। फिर आपको यहाँ से कॉन्ट्रास्ट पर क्लिक करना है, इसके कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है। तो आप चाहे तो इसे 100 भी रख सकते हैं पर मैं 60% के आसपास रखूंगा। उसके बाद आपको यहाँ से डन कर देना है। नेक्स्ट ये हमारा डार्क हो चुका है। फिर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर आना है, यहाँ आपको ड्रॉ वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको ब्रश की सेटिंग पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको इसकी साइज को फुल कर देना है, उसके बाद आपको हार्डनेस को 1 कर देना है, फिर आपको यहाँ से जूमेबिलिटी को ऑन कर देना, फिर आपको यहाँ से बैक आ जाना है। फिर आपको यहाँ से इसे कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर लेना है अपनी फोटो में। नेक्स्ट आपको यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करके इसे ट्रांसफॉर्म कर लेना है। नेक्स्ट आपको इसे कुछ इस टाइप से अपने हाफ फेस पे अप्लाई कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ से डन कर देना। फिर आपको वापस से लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करना है, इसे कॉपी कर लेना है। इतना कर लेने के बाद गाइज आपको वापस से 3 डॉट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ से हॉरिजेंटल कर देना है, फिर आपको कुछ इस टाइप से अपने राइट साइड में इसे अप्लाई कर लेना है। इतना हो जाने के बाद गाइज आपको यहाँ से डन कर देना। फिर आपको वापस से 3 डॉट पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से मर्ज कर देना है तो दोनों लेयर आपस में मर्ज हो जाएगी। फिर आपको यहाँ से बैक हो जाना है। बैक आ जाने के बाद गाइज आपको यहाँ से इरेजर पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको इरेजर की सेटिंग पर आ जाना है, यहाँ से इसकी हार्डनेस को 1 कर देना एंड ओपेसिटी को अपने अकॉर्डिंग रख लेना। मैंने 40% के आसपास रखा है, आप भी रख लेना। साइज़ को आप अपने अकॉर्डिंग रख लेना। फिर आपको जूमेबिलिटी को ऑन कर देना। नेक्स्ट आपको कुछ इस टाइप से अपने फेस पे इसे ड्रॉ कर लेना है, तो मैं बैक कर लेता हूँ, अच्छे से नहीं हुआ, फिर वापस से इसे ड्रॉ कर लेता हूँ तो इतना परफेक्ट है। नेक्स्ट आपको वापस से इरेजर पर क्लिक करना है, इरेजर की सेटिंग पर, उसके बाद ओपेसिटी को कम कर देना, हार्डनेस को भी कम कर देना, वो साइज़ को भी कम कर देना। फिर आपको कुछ इस टाइप से गर्दन पर अप्लाई कर लेना। नेक्स्ट आपको यहाँ से डन कर देना, टूल्स पर क्लिक करना है। फिर आपको इसकी हाइलाइट्स को बढ़ा देना है एंड आपको इसकी ब्राइटनेस को भी हल्का सा बढ़ा देना। नेक्स्ट आपको यहाँ से कॉन्ट्रास्ट में आना है, कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा बढ़ा देना। फिर आपको यहाँ से इसकी शैडोज को हल्का सा कम कर देना। तो इतना हो जाने के बाद परफेक्ट लग रही है फोटो, डन कर देना है। तो हमारी फोटो फुल एडिट हो चुकी है, तो इस आइकन पर क्लिक करके इसे सेव कर लेना। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।